नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एट ऑफ सोर्ड स्ट्रेंथ एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा परेशान है और इंडिसाइसिव भी है, लेकिन फिर भी अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। 24/7 ये पर्सन आपको याद तो करता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, कुछ फिनेंशियल लॉसेस या कुछ रिश्ते में ऐसी परेशानी आई है जिसकी वजह से या तो आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है या फिर इन्होंने अपने परेशानी से परेशान होके मूव ऑन करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि ये हिम्मत रख रहे हैं, बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस इनका हुआ है, फिर भी ये हिम्मत जुटा के उस परेशानी के मुकाबला करने के बारे में सोच रहा है। किसी से मिलके कोई नया काम बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके बारे में क्या सोच रहा है, 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है। रिश्ता और इनका फिनेंशियल जो स्टेटस है दोनों को मेंटेन करना इनको पड़ रहा है, और इस सोच के साथ बंदा परेशान है कि ये किस तरीके से दोनों चीज़ों को एक साथ मेंटेन कर पाएगा। ये हिम्मत रख रहा है इस स्थिति में, जितना हिम्मत रखा जा सके ये रख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी सोच रहा है कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहा है, जीत और मेहनत कर रहा है। इनको पता है बिना मेहनत के ना ही इनको रिश्ता मिलेगा ना फिनेंशियल स्टेबिलिटी। देख लेते हैं पाइसिस आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड, मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों से दुखी हो, परेशान हो, परेशानी से आप जूझ रहे हो। हालांकि इतनी परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिससैटिस्फाइड हो। जो आपको मिल रहा है वो आपको नहीं चाहिए, जो आपके पास नहीं है शायद आप उन चीज़ों की उम्मीद लगा रहे हो। देख लेते हैं फोर ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो आप बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, ये डेफिनेटली आप चाहते हो रिकॉन्सिलेशन, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आप मेहनत करना चाहते हो, शायद
आप ही ने रिश्ते से मूव ऑन किया है इमोशनल बैगेज के साथ। अभी आप इस रिश्ते को मेहनत करके एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो। जिस तरीके से ये रिश्ता चल रहा है, कभी ऑन कभी ऑफ, इन एंड आउट, परेशानी, पैसों की प्रॉब्लम, इन चीज़ों से आप इस रिश्ते को बाहर लाके रिश्ते को एक नया सर्कल देना चाहते हो। क्योंकि मुझे लगता है आप स्पिरिचुअली खुद को बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया है आपने, और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी आपके सर पे है। तो आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, वो मेहनत से ही आपको मिलेगा। आप इनसे दूर रह के, मुझे लगता है इन चीज़ों को आपने रियलाइज़ किया कि जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जिस तरीके से ये पर्सन सोच रहा है, उस तरीके से ये चीज़ उन आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर ये पाना है तो जीत और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको वो मिल सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है। वैसे वर्ल्ड के कार्ड, स्ट्रेंथ के कार्ड, इसमें 12 के 12 राशि आते हैं। कोई जेमिनाई एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। फोर ऑफ सोर्स, पहले भी मैंने देखा ये दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। आगे भी ये इन चीजों को सोच के परेशान रह सकता है। देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की सोच बहुत सिमिलर है, मिलता जुलता है। ये भी इनडिसाइसिवनेस से इनडिसाइसिव है, ये डिससैटिस्फाइड है, और आप भी हो। जो इनके पास है ये बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये परेशान है। कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता ही हुआ है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन फिर भी ये परेशान है। देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। ये अपनी गलती से सीखना चाहते हैं। इनको लगता है कि रिश्ते में सही तरीके का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आपको उस तरीके से जो आप डिजर्व करते हो वो आपको इन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये खुद परेशान है। ये अपना बग बदलने का इंतजार कर रहे हैं। देखो, सडन कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ चेंज हो जाए, उनको उनका परिवार मिल जाए। ये डेफिनेटली कोई परिवार वाला बंदा या बंदी है जिनके साथ आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आपके परिवार है, बच्चे हैं। तो ये खुद को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील कर रहा है। खुद की गलती से सीखना चाहते हैं कि उनको पता है कि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से आपने शायद रिश्ते से मूव ऑन किया। तो ये एक तो उस फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए जीत और मेहनत करना चाहेंगे। साथ ही साथ जो भी इनको मेहनत से मिलेगा वो परिवार के लिए रखना चाहेंगे। जैसे आपको घर खरीद के दे देना, गाड़ी, जितनी लग्जरियस लाइफस्टाइल है, जितनी लेवियस लाइफस्टाइल है, ये आपको देना चाहेंगे। और इनको ये लगेगा कि मैंने पहले ये नहीं किया, ये गलत किया, तो मुझे ये करना चाहिए। और साथ ही साथ उनका अपना लक चेंज हो जाए, मतलब किस्मत भी उनका साथ दे दे, ये भी ये सोचेंगे। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एक्यूरियस, लियो, सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। जस्टिस, डेफिनेटली आप जस्टिस चाहोगे, क्योंकि आपने मूव ऑन किया फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, तो डेफिनेटली आपको तो जस्टिस चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोगों में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो भी आप चाहते हो कि आपके हक में राय निकले। और अगर नहीं चल रहा है तो जो आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी बुरा किया है, जो भी मिसबिहेव किया, आपको इग्नोर किया, कुछ
कुछ जो भी आपको खराब लगा है तो आप उन चीजों से जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। अभी जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। हाइलाइटेड राशियां हैं लिब्रा एक्वेरियस लियो। आप चाहते हो ये पोर्शन आपके तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आए। आप उम्मीद इस तरीके से कर रहे हो कि आपने इनको छोड़ा, यस आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। पेशेंसली आप वेटिंग के मूड में रहोगे, आप इंतजार करोगे कि ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आए। आप दिल की वजह दिमाग से सोचने लग जाओगे इन दिनों। आप पेशेंस के साथ अपने गुस्से को पी के आप इंतजार करोगे कि ये बंदा आपकी तरफ आ जाए और आपको वो एक स्टेबल लव ऑफर दे दे। आप एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस तो है ही। जो भी राशि के हो, यहाँ दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो आप पाइसिस, क्योंकि आपको लगता है कि आपको इन्हें मनाना चाहिए। आपने रिश्ते से मूव ऑन किया, फिनेंशियल लॉसेस हुई रिश्ते में, वो इमोशनल अटैचमेंट आपको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं रिश्ते को पाना चाहते हो और आप ये उम्मीद करोगे कि ये पर्सन आपके तरफ आए और आपको मना के ले जाए या फिर आपको मनाए, और इसी तरीके से आप जस्टिस की भी उम्मीद कर रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं पाइसिस। रिश्ते की आउटकम को देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देखो रिश्ते में कुछ झूठ, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ अनहोनी का डर, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा इस रिश्ते को परेशान करेगा। लेकिन सबसे प्यारी बात जो है, देखो एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, झूठ, परेशानी, कुछ दर्द, इन चीजों के बाद भी रिश्ते में जो अच्छी चीजें हैं वो है प्यार, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करोगे और एक दूसरे के करीब भी आओगे, कुछ नया फैंटेसाइज करोगे, फिनेंशियल अबंडन आपको मिल जाए ऐसा आप सोचोगे, और आपको ये मिलेगा भी, जो लॉसेस हुआ है वो रिकवर हो जाएगी आपकी, कुछ नया काम बिजनेस कोई जॉब आपको मिल सकता है, कोई आपको प्रमोशन मिल सकता है, किसी हायर अथॉरिटीज से आपको कोई डिग्निफाइड पोस्ट ऑफर किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रमोशन जिसे बोलते हैं। इन चीज़ों से आप में वो जो झूठ फरेब लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों की जो उम्मीद थी वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहोगे, कुछ तो कहोगे, प्यार है, थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा होगी, कुछ झूठ बूट बोला जाएगा, पर धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये जो आपका इमोशन है एक दूसरे के लिए ओवरफ्लो हो जाएगा, और डेफिनेटली अबंडेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, नया जॉब नया बिजनेस लग रहा है, तो भाई लड़ाई किस बात की, और ये जो रिश्ता है ये प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता है उसे आप होल्ड कर रहे हो इन दिनों, और हो सकता है आप हो ही सोलमेट दोनों एक दूसरे की, और फीलिंग भी आप ऐसा रखते हो कर रहे हो, तो भाई परेशानी को ख़त्म करके आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हो। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। गिले शिकवे तो हर रिश्ते में है थोड़ी सी,
अनबन हर रिश्ते में होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वही होगा आप लोगों के रिश्ते में, वो है प्यार। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, कुछ नया होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले देखा और कहा आपसे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने जा रहा है रिश्ते में, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, कुछ नया होगा, दोस्ती होगी। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई के मूड में आप हो तो दोस्ती करके रिश्ते को सही कर सकते हो, धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओ। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड फोर्थ ये वो कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी ये पार्टी फोर्थ पार्टी कोई पार्टी पुटी नहीं है, ये आप दोनों ही हो, दोनों की वजह से रिश्ते में गड़बड़ हुई है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हो और इट्स फाइनल, क्योंकि कार्ड ऐसा बता रहा है। कार्ड जो बताएगा वो हमें बताना पड़ेगा। स्टेबिलिटी धीरे धीरे रिश्ते में आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।